सरका 120/80 प्रैक्टो। होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए सूचनाएं। होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग द्वारा आपके डॉक्टर के बताए हुए समय के अनुसार घर पर ही आपका ब्लड प्रेशर सटीक तरीके से नापा जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि आपके डॉक्टर आपको सही सलाह दे सके जो आपके ब्लड प्रेशर को सामान्य रेंज में नियंत्रित रखने में मदद कर सके। होम मेजरमेंट के लिए इन सूचनाओं का ध्यान पूर्वक पालन कीजिए। ध्यान रखिए कि उपकरण का उपयोग करने के कम आधे घंटे पहले आपने चाय या कॉफी ना पी हो। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो ध्यान रखें कि बीपी नापने के आधे घंटे पहले आपने धूम्रपान ना किया हो। ये भी ख्याल रखिए कि उपकरण का उपयोग करने की कम से कम 5 मिनट पहले आप शांति से बैठें। अब ये देखें कि उपकरण के साथ वायर कैसे जुड़ा हुआ है। इसको कनेक्टर कहा जाता है। कनेक्टर को इस छेद वाली जगह द्वारा उपकरण के साथ जोड़ा जाता है। शांत बैठने के 5 मिनट बाद कफ को अपने बाएं हाथ पर हृदय के लेवल तक बांधिए। जब आप कफ को हाथ के बीच में जॉइंट से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर बांधे तब वायर आगे की ओर होना चाहिए। हाथ को इस स्थिति में रखें। कमर के हिस्से को सहारा देकर सीधे बैठें। ध्यान रहे कि आपके पांव जमीन पर हो और क्रॉस किए हुए ना हो। जब उपकरण आपका ब्लड प्रेशर नाप रहा हो तब बोले या हिले नहीं। नाप शुरू करने के लिए ये बटन दबाएं। कफ अपने आप ही फूल जाएगा। आराम से रहिए। जब तक नाप का परिणाम डिस्प्ले ना हो तब तक हिले नहीं। अपना हाथ आराम की स्थिति में रखें। शांति से सांस लें और बोले नहीं। जब सही दबाव पहुंच जाए तब कफ फूलना बंद हो जाता है और दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर अपेक्षित दबाव ना पहुंचे तो उपकरण अपने आप ही कफ में ज्यादा हवा पंप करने लगेगा। नाप के दौरान पल्स इंडिकेटर डिस्प्ले में दिखता है। अब परिणाम दिख रहा है जिसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स रेट होता है। ब्लड प्रेशर नापने के बाद बाजू में बंधे कफ को निकाल दीजिए। करीब 1 मिनट बाद मॉनिटर अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। रीडिंग को माय ब्लड प्रेशर, माय कंट्रोल लॉग शीट या एप्लीकेशन में नोट कीजिए। यही प्रक्रिया आप जब भी ब्लड प्रेशर नापें तब फिर से करें। जब भी आप डॉक्टर से सलाह लेने के लिए जाएं, कम से कम 7 दिन का या आपके डॉक्टर द्वारा सूचित किए गए दिनों का ब्लड प्रेशर रीडिंग साथ में रखें। डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर के स्वरूप की जांच करेंगे और आपको योग्य सलाह देंगे। औसत ब्लड प्रेशर पाने के लिए M बटन दबाइए और होल्ड कीजिए। सभी रीडिंग्स की औसत संख्या प्रदर्शित की जाएगी। इस उपकरण में पिछले 30 रीडिंग स्टोर करने की क्षमता है। अगर स्क्रीन पर पैड साइन दिखे तो आपके डॉक्टर को सूचित कीजिए। डिस्प्ले की बाईं तरफ की धार पर जो पट्टियां हैं वो आपको वो श्रेणी बताती हैं कि जिसमें ब्लड प्रेशर का मूल्य सूचित किया जाता है। पट्टी की ऊंचाई के आधार पर ब्लड प्रेशर की रीड आउट वैल्यू या तो नॉर्मल यानी ग्रीन होती है, थोड़ी ज्यादा या येलो होती है, ज्यादा या ऑरेंज होती है, या फिर बहुत ही ज्यादा यानी रेड होती है। अगर उपकरण में बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर दिखे तो आपके डॉक्टर को डेटा दिखाइए। अगर स्क्रीन पर एरर कोड दिखे तो बॉक्स पैक में दिए गए यूजर मैनुअल का अभ्यास करें। अपने ब्लड प्रेशर को माय ब्लड प्रेशर माय कंट्रोल लॉग शीट में नोट करें। एक बार अपना ब्लड प्रेशर ले लेने के बाद लॉग शीट खोलिए। लॉग शीट में तारीख और समय का उल्लेख कीजिए। अगर आपने ब्लड प्रेशर नापने से पहले अपनी दवाई ली है या कोई व्यायाम किया है तो हां लिखिए। लॉग शीट में अपने सिस्टोलिक मूल्य को डॉट के रूप में, डायस्टोलिक मूल्य को 0 के रूप में और हार्ट रेट को x के रूप में प्लॉट करें। मान लीजिए कि रीडिंग में ब्लड प्रेशर 130/90 mmHg और हार्ट रेट 80 दिखा रहा हो तो उसको इस तरह प्लॉट किया जा सकता है। अपने डॉक्टर की मुलाकात लेते समय कृपया पूरी लॉग शीट साथ में रखिए। लॉग शीट आपके डॉक्टर को
आपके ब्लड प्रेशर की पद्धति को समझने में और उसके अनुसार सलाह देने में मदद करेगी। अपने ब्लड प्रेशर को माई ब्लड प्रेशर माई कंट्रोल एप्लीकेशन में नोट करें। शेयर किए गए सीरियल नंबर का उपयोग करके एप्लीकेशन खोलिए। सीरियल नंबर वेलकम बुकलेट में दर्शाया होता है। खरीदते समय उसको ठीक से जांचिए। अपना ब्लड प्रेशर नाप लेने के बाद एप्लीकेशन खोलिए। एंटर न्यू डेटा बटन दबाइए। प्रथम बटन में आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरे बटन में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और तीसरे ब्लड प्रेशर में हार्ट रेट दाखिल कीजिए। एक बार सही डेटा दाखिल कर देने के बाद एंटर डेटा बटन दबाइए। एंटर डेटा बटन दबाने से आपका डेटा नोट हो जाएगा। जब आप अपने डॉक्टर की मुलाकात ले रहे हो तब डॉक्टर पहले वाले डेटा को फिर से प्राप्त करके आपके ब्लड प्रेशर की पद्धति को समझने के लिए पिछले 7 दिनों का या महीने का डेटा पसंद करेंगे और उसके अनुसार सलाह देंगे।